तो आज से एक एक चीज़ मैं दिवाली के लिए बनाने जा रही हूँ। बहुत सारा कुछ नहीं बना रही हूँ, तो ये मैंने अभी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके रख दिया है, तो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल हमारा लंच ऑलमोस्ट बन चुका है, दाल चावल ही बनाए हैं क्योंकि मुझे बहुत सारी सफाई वगैरह कुछ करनी थी। तो अभी बर्तन का साफ़ करने हैं, कपड़े वहाँ पर फैले हुए हैं वो धोबी को देने हैं। तो बस अभी ये सब करने के बाद मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी सी एक रेसिपी शेयर करूंगी। हेलो, हाउ आर यू ऑल, और कैसे चल रही है आप सबकी दिवाली की प्रिपरेशंस? मेरी फिलहाल ठीक ठाक चल रही है क्योंकि हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से, जैसे कि आप सबको पता है। अगर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बहुत, तो अपनी लास्ट दिवाली है मस्कट में, तो थोड़ा बहुत तो डेकोरेशन करूंगी। फिलहाल मैं आप लोगों के साथ फाइनल लुक शेयर करूंगी। मैं कुछ नया खरीद नहीं रही हूँ, बस यहाँ से वहाँ मतलब जो चीज़ यहाँ रखी थी वो वहाँ रख रही हूँ, ताकि कुछ अच्छा लगे, नया लगे एंड कुछ डिफरेंट फील हो दिवाली पे। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बिना कुछ खरीदे, बिना कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंस किए आप दिवाली मना सकते हैं एंड अपने घर को एक नया लुक दे सकते हैं। एंड अब मैं आ गई हूँ, आपने देखा ही आगे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि मैं आज कुछ बनाने जा रही हूँ। फिलहाल तो मुझे 3-4 चीज़ बनानी थी, मगर किचन की लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो 4 लाइट एक साथ फ्यूज्ड ऑफ हो चुकी है और वहाँ बहुत अंधेरा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने इस रूम में जहाँ पर अच्छी खासी लाइट है वहाँ से आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी। तो इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को जैसे जैसे मैं डालूंगी ना वैसे ही दिखाऊंगी। एंड चलिए फटाफट से बनाते हैं मिनी समोसा। आपने सुना होगा कि ड्राई समोसा मिलता है, हल्दीराम में मिलता है, या कचौरी मिलती है, ड्राई वाली कचौरी जिसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। बस वैसे ही चीज है यहाँ पे बनने वाली आज, जिसको आप स्टोर करके 15-20 दिन आराम से, इवन 1 महीना भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये है फरसान, जिसमें चिवड़ा है एंड पापड़ी है, गाठिया है, अलग अलग दाल है, मतलब जो रो फ्राइड दाल आती है वो सब कुछ लेके मैंने अच्छे से इसको पीस लिया है, जब तक कि वो ऑयल रिलीज ना करे, एक अच्छा सा बाइंडिंग ना आ जाए तब तक हमको इसको पीसना है। अगर आप इसको सूखा पीसेंगे तो आपको बाइंडिंग एजेंट या कुछ डालने की ज़रूरत पड़ेगी, मगर अगर आप ऐसे पीसोगे तो उसको डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और अब हम इसमें मसाले करेंगे। ये सब कुछ हम एक बाउल में ले लेंगे। पहले आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें ऑलरेडी नमक भी होता है एंड बहुत सारे अलग अलग मसाले भी होते हैं, तो ये अपने आप में ऑलरेडी मसाले से भरपूर होता है, तो आप उस हिसाब से इसमें अलग अलग मसाले कीजिएगा। नमक स्पेशली, अगर तीखा ज़्यादा हो गया देन इट इज़ फाइन, मगर अगर नमक आप डाल रहे हैं तो प्लीज़ टेस्ट करके या चखे थोड़ा डालिएगा। तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है इसमें और बहुत मजा आता है खाने में, और जब मुंह में आती है ना तो बहुत एकदम रिफ्रेशिंग सा लगता है। तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी सौंफ, अराउंड 1 टेबलस्पून जितनी सौंफ है, तो वो मैं इसमें डालूंगी। उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर एज पर योर टेस्ट, एंड खट्टेपन के लिए मैं इसमें डाल रही हूं आमचूर। और अगर आपके पास आमचूर अवेलेबल ना हो तो आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं, नींबू के फूल आते हैं वो भी डाल सकते हैं, एंड आप इसमें इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। जो जामनगर में कचौरी फेमस मिलती है सूखी वाली, उसमें वो लोग इमली का पल्प वगैरह यूज करते हैं, मगर मैंने इसमें आमचूर यूज किया है। एंड उसके बाद मैं डालूंगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स,
तो ड्राई फ्रूट्स में मैं किशमिश डाल रही हूँ और किशमिश का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है इसमें। आप ब्लैक वाली भी यूज कर सकते हैं एंड दिस इज टोटली ऑप्शनल, मगर जो बाजार में मिलते हैं ना ड्राई फ्रूट कचौरी वगैरह उसमें किशमिश होती ही है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने में अराउंड 6-7 किशमिश इसमें डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा मीठापन भी आएगा। काजू के टुकड़े ऐसे ही रफली चॉप करके हम लोग डालेंगे एंड बादाम, ऐसे ही रफली चॉप करके बादाम के टुकड़े डालेंगे। दिस इज टोटली अप टू यू, आपको डालना है डालिए, नहीं आप इसमें तिल भी डाल सकते हैं एंड सूखा नारियल भी डाल सकते हैं, मगर वो सब कुछ मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। एंड इवन आप इसमें कुटा हुआ आखा जीरा धना आता है वो भी डाल सकते हैं, मगर वो फैमिली में किसी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। और ये देखिए हमारा मिक्सचर ऑलमोस्ट बनके तैयार है। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे एंड देन हम इसके छोटे छोटे समोसे बनाएंगे। अगर आपके पास कुछ मिक्सर ना हो और आप इसको बनाना चाहते हैं देन आप क्या कीजिए, आटा हमारा जो आटा रहता है बेसन रहता है, बेसन का आटा बना लीजिए, आटा गूंथ लीजिए, उसको बेसन को फ्राई कर लीजिए स्लो फ्लेम पे एंड देन मिक्सी में मिक्स कर दीजिए, तो आपका ऐसा मसाला बनके तैयार हो जाएगा। मगर उसमें आपको मसाले जोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे क्योंकि वो पूरा फीका होगा। मैं इसमें धनिया नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसको स्टोर करना है, वरना आप इस पॉइंट पे धनिया भी डाल सकते हैं। और ये देखिए हमारा मसाला बनके बिल्कुल तैयार है और हम इसकी फिलिंग करेंगे। अब हम करेंगे फिलिंग और ले लेते हैं मेरी फेवरेट समोसा लीव्स। ये बड़े समोसे बनेंगे इसके, मगर मुझे बड़े नहीं चाहिए, मुझे बाइट साइज बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगी इसको बीच से काट लूंगी। और हमारी समोसा लीव्स बनके तैयार है। और ये समोसा लीव्स है ना बहुत हैंडी है, आप बहुत अलग अलग वे से इसको यूज कर सकते हैं। इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काट लीजिए, या आपको थ्रेडेड पनीर बनाना हो तो आप उसमें भी यूज कर सकते हैं, समोसा बनाने हो तो भी यूज कर सकते हैं एंड इवन इससे ही फ्राई करके भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, थोड़ा सा पानी लगाना है एंड ऐसा वाला बॉल बना के इसमें रख देंगे। एंड देन कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाते हुए जाएंगे एंड हमारा समोसा बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए क्यूट सा छोटू सा समोसा बनके तैयार है हमारा, ना झंझट आटा गूंदने का या कचौड़ी बनाने का, मगर सेम टेस्ट आएगा, ऊपर से एकदम करारा क्रिस्पी एंड अंदर से एकदम स्पाइसी वाला। तो ज़रूर बनाइएगा अगर आपके पास समोसा लीफ अवेलेबल है तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो ऐसे ही मैं सारे फटाफट से बना लूँगी, हार्डली 15-20 मिनट्स लगते हैं और ढेर सारे समोसे बनके तैयार हो जाते हैं। मगर आप लोग जाइए और देखिए कि हम लोग कल कहाँ गए थे, और कल मस्कत में हो रही थी बारिश, भी बहुत अच्छा मौसम था कल एंड मौसम चेंज हो रहा है अभी, ठंडक हो रही है तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है अभी फिलहाल। और हम लोग गए थे एंटिक शॉप में, वहाँ से कुछ कुछ सामान खरीदना था तो बस वही खरीदने हम लोग गए थे, दिवाली के रिलेटेड नहीं, कुछ और खरीदना था। और वहाँ पे लैम्प्स
और डेकोरेटिव आइटम्स, टर्किश आइटम्स बहुत अच्छी थी और बहुत 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 ब्यूटीफुल था। तो आप वहाँ पे जाके देखिए, अगर आपको कुछ खरीदना हो और आप मस्कत में हैं देन वहाँ पे ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन है वहाँ पे। तो आप लोग वो देखिए एंड मैं यहाँ पे समोसा बनाती हूँ एंड देन आपको फ्राई, अगर लाइट हुई तो फ्राई का प्रोसेस दिखाऊंगी, अगर लाइट नहीं हुई अच्छी से तो मैं आपको ऐसे ही फ्राई समोसा दिखा दूंगी। तो चलिए अब आप जाइए देखिए एंड मैं ये फटाफट से फिनिश करती हूँ। Thank you.
वेलकम बैक। और ये मेरे समोसे बनके तैयार हैं। ये अराउंड 30-40 के आसपास समोसे होंगे जो मैंने पूरे बनाए हैं, क्योंकि और अलग अलग स्नैक्स बनाने वाली हूँ थोड़ा थोड़ा। और खाने वाले सिर्फ घर के लोग ही हैं, मम्मी पापा हैं एंड दो तीन फ्रेंड्स हैं, दैट्स इट। और कोई गेट टुगेदर लास्ट ईयर जैसे रखा था वैसे तो इस बार होने वाला नहीं है। तो इस एंड देन मैं कोई चेवड़ा बना लूँगी, चकरी बनानी है वो बनाऊँगी। तो वही सब मुझे आज करना था, मगर ड्यू टू डिफेक्ट आज मैं वन नहीं कर पाऊँगी। जो किचन से रिलेटेड ना हो कुछ डेकोर कर लूँगी, या बालों में मेहंदी लगानी है वो लगा दूँगी, तो वो टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। एंड कल सुबह में मैं नाश्ते वगैरह का प्लान करूँगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी एंड इसको मैं फ्राई करूँगी। आप चाहे तो बेक कर सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं एंड वन फ्राई करके इवन फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, मगर फुल फ्राई करने के बाद भी फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही रहते हैं और बिल्कुल 15-20 दिन वन मंथ तक ख़राब नहीं होते हैं। तो चलिए अब मैं फ्राई करती हूँ। एंड अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो देन गिव इट अ लाइक, गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन टू एवरीवन।